कर दोस्तों आप लोग सभी लोग बैडमिंटन लगभग खेलते ही खेलते होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो बैडमिंटन के जो नेट होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है, मतलब वो कितना लंबा और चौड़ा होता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करें बैडमिंटन के पोल की, जो मतलब साइड में लगे होते हैं पोल, वो कितने लंबे होते हैं। वो होते हैं दोस्तों 1.55 मीटर। अगर इनकी बात करी जाए फुट में तो ये होते हैं 5 फुट 1 इंच के। बैडमिंटन के नेट की जो हाइट होती है जमीन से वो होती है 5 फुट। अगर बात की जाए मीटर में तो मीटर में 1 मीटर 52 सेंटीमीटर होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो बैडमिंटन का नेट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चौड़ाई की। अगर चौड़ाई की बात करी जाए बैडमिंटन के नेट की तो वो होती है 20 फुट। अगर इसे मीटर में नापा जाए तो ये रखी जाती है 6.10 मीटर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लंबाई, मतलब लेंथ कितनी होती है। अगर लेंथ की बात करी जाए फुट में तो ये 2 फुट 6 इंच होती है। वहीं मीटर की बात करी जाए तो 0.76 मीटर इसकी लंबाई होती है नेट की। तो चाहे सिंगल्स हो चाहे डबल्स हो, दोनों में नेट सेम रहता है। नेट की कोई ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।